नफरत ना करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों अगर आप वेपन मास्टर का टाइटल लेना चाहते हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। मैं 3 बार वेपन मास्टर का टाइटल ले चुका हूँ और एक आईडी पे तो भाई मैंने आज ही लिया है, जिसका गेम प्ले मैंने अपने किलचोर वाले चैनल पर डाल दिया। अगर आप देखना चाहते हो तो भाई देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाई मैंने तो ना सोलो वर्सेस स्क्वाड में वेपन मास्टर का टाइटल लिया और मैं 3 बार ले चुका हूँ। तो आज मैं आपको ना 8 टिप्स देना चाहता हूँ भाई, और अगर आप फॉलो करते हो उन टिप्स को तो आप बिल्कुल इजीली वेपन मास्टर का टाइटल ले लोगे। और अगर आपके पास पहले से वेपन मास्टर का टाइटल है तो भाई आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, नहीं तो भाई आप भी देखते रहना यार क्या जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ये नहीं लगते आपके। तो अगर आप वेपन मास्टर का टाइटल लेना चाहते हो तो भाई आपको जो है प्लेटिनम टीयर में 6 किल करने होते हैं एक ही मैच के अंदर, असल्ट राइफल के साथ, एसएमजी के साथ, स्नाइपर के साथ, शॉटगन के साथ, और भाई थ्रोएबल के साथ और व्हीकल के साथ। अब कुछ भाई ये बोलते कि भाई सर्वर चेंज कर ले खेलते टाइम, तो इन्होंने ये बोला कि प्लेटिनम टीयर में खेलना है, चाहे आप सोलो में हो, डुओ में हो या स्क्वाड में हो, जो भी आप खेलो ना, अगर सोलो में खेलो तो आप सोलो में प्लेटिनम में होने चाहिए। और अगर आप सर्वर चेंज करते हो तो अगर आप सर्वर चेंज करोगे एशिया की जगह किसी और सर्वर में खेलोगे ये सोच के कि उसमें बोट आएंगे, तो भी आपको बता दूं अगर आप एशिया में सोलो में प्लेटिनम में होना अगर आप सर्वर चेंज करते हो तो दूसरे सर्वर में आप प्लेटिनम पे हो ये जरूरी नहीं है, तो आपको उसमें भी प्लेटिनम में आना होगा तभी आप कर सकते हो। तो बिना किसी फालतू बकवास के टॉपिक पे आते भी आपको 8 टिप्स दूंगा। तो 3 बार मैं कर चुका हूँ भाई, और आज वाला तो सिर्फ एक ही मैच में हो गया, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। तो जो मैं टिप्स दूँ ना बस आप उनको फॉलो कर लेना। तो जो पहले वाला भाई वो यही है कि आपको भाई प्लेटिनम 5 या 4 में खेलना है, तो इन्होंने बोला कि प्लेटिनम टीयर में होना जरूरी है। तो अगर आप डुओ में करना चाहते हो और आप अगर डुओ में डायमंड में होना तो आप अपनी माइनस लगवाओ भाई और प्लेटिनम 4 या 5 में आ जाओ, उसमें खेलो। अगर आप सोलो में खेलना चाहते हो तो भाई सोलो में भी आप प्लेटिनम में खेलो, अच्छा रहेगा। और दूसरे वाली जो है भाई टिप्स इसमें ये है कि आपको भाई डुओ या सोलो में खेलना है। अगर आप स्क्वाड खेलते हो ना तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है भाई, क्योंकि 4 बंदे एक साथ घूमेंगे भाई कहीं कहीं, तो आप रस होगा तो इजी नहीं रहता। अगर आप डुओ खेलते हो ना तो ज़्यादा इजी रहेगा। और भाई अगर आप स्क्वाड भी खेलो ना तो आप अपनी टीम के साथ खेलना और उनको बोलना कि वो किल ना करे, आपको करने दे। इसी वजह से भाई डुओ इजी रहता है, आप अपने साथ एक को रखो और उसको भी बोलो कि मैं तुझे दिला दूंगा वेपन मास्टर का टाइटल और तुम मुझे दिला देना। और भाई इससे ये भी फायदा होगा, मान लो इसमें 6 के साथ किल करना, 6 गन के साथ, तो जो गन आपके पास है जिससे आपको पहले किल करना वो आप रखना, और जो बाकी की गन अगर मिलते हैं स्नाइपर या और कोई गन तो उसको दे देना, क्योंकि बाद में भाई फिर लूट नहीं मिलती, गन नहीं मिलती बहुत बार। तो इसलिए भाई 2 फ्रेंड रहो भाई और प्लेटिनम में रहो, अच्छा रहेगा। और अगले वाली जो भाई इसमें है, आपको सनोक या वीकेंड या लिविक खेलना है, इरेंगल नहीं खेलना ना मिरामार खेलना। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये मैप जो है छोटे है और इसमें आपको इजीली बंदे मिल जाएंगे, और अगर आप इरेंगल खेल तो मैंने इरेंगल में अभी तक खेला नहीं है, तो भाई वहाँ पर आपको ज़्यादा फिर लूट भी ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी यहाँ वहाँ, और मैप बड़ा तो आपको बंदे नहीं मिलेंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। वैसे आप करना चाहते हो भाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैंने भाई वीकेंडी में किया है। और मेरा एक ये भी मानना है कि भाई वीकेंडी और जो बाकी के जो मैप है ना उनमें जो बंदे हैं कुछ इससे ज़्यादा खास नहीं आते, और बहुत बार ऐसा होता है कि वीकेंडी को जो बंदे खेलते हैं ना, जो आपको वीकेंडी मैप में जो बंदे मिले, हो सकता है कि वो पहली बार उसे खेल रहे हो, मतलब 10-15 दिन में जैसे हम खेलते हैं यार, कभी कभी महीने महीने में खेलते, हो सकता हो कि उसे खेल रहा हो तो उसको भी लोकेशन का ज़्यादा ना पता हो, तो ईजी रहता भाई। तो अगले वाला जो है भाई इसमें आपको भाई सुबह के टाइम खेलना है, 9 बजे से पहले 8-7 बजे खेल लेना अपने फ्रेंड के साथ डुओ, तो लो भी ना थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक आती है यार, कुछ ज़्यादा ऐसी नहीं आती, तो रात के टाइम तो खेलना ही मत भाई, रात के टाइम ना ज़्यादातर सभी खेलने लग जाते हैं, तो लो भी थोड़ी सी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सुबह के टाइम खेलना अगर आपको वेपन मास्टर का टाइटल चाहिए तो। और कैसे मिलेगा वो तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या किल करने हैं। और जो 5वीं टिप है भाई, आपको जो है जब भी आप कहीं पर जंप करते हो तो आपको सबसे पहले व्हीकल ढूंढना और लूट भी करना, लेकिन आसपास व्हीकल भी ढूंढ लेना, क्योंकि अगर आपको पहले वाला बोट मिलता ना तो आप उसको कोशिश करो व्हीकल के साथ मारने की, पहले वाले बोट को, क्योंकि भाई व्हीकल से मारना ना आसान नहीं है, फिर बाद में तो मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा भाई। हो सकता लक हो कि आपको बंदा कहीं मिल जाए लेटा और आप उसके ऊपर से उतार दो गाड़ी को, लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले वाले बोट को भाई व्हीकल के साथ मारने की कोशिश करो, और आपके पास व्हीकल नहीं और आपको बोट मिल गया है तो उसको मोलिया नेड से उड़ाओ भाई, पहले गन के साथ मत उड़ाना भाई, गन के साथ रियल बंदे मारना, तो इनके साथ ये बोट वगैरह मारने की कोशिश करना। और अगला जो है भाई आपको जंप करना कहीं दूर,
मतलब जहाँ से जा रहा हो ना उससे बहुत ज़्यादा दूर जो आप जंप करना वहाँ पर आपको एक दो बोट मिल जाएगा और आप व्हीकल से ही मार देना और फिर भाई मोली से मार देना, उसके बाद आप शॉट गन से ट्राई कर लेना और भाई दूर बंदा हो तो आप स्नाइपर से मारना और SMG और AKM को लास्ट में रखने की कोशिश करना। और जहाँ आप भाई दूर जंप करोगे ना तो वहाँ पर भाई आपको जो है बोट भी मिल जाते हैं और रियल बंदे आपको नहीं मिलते और आपको लूट करने का भी टाइम मिल जाता है और आपका फ्रेंड आपके साथ होगा तो भाई अच्छे से लूट कर लेना और फिर दो तीन आपको बोट मिल ही जाएंगे भाई यहाँ वहाँ घूमते रहना। तो अगला जो है भाई इसमें आपको भाई स्नाइपर में ना VSS भी रख सकते हो आप। ये मतलब मैंने जो एक बार किया था ना उसमें मैंने VSS से ही किल किया था। तो आप भी भाई स्नाइपर में अगर आपको कोई और नहीं मिलती अच्छी सी स्नाइपर नहीं मिलती तो आप VSS रख लेना। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसमें एक्सटेंड मैग लगाते हो ना तो VSS से आप भाई क्लोज फाइट भी ले सकते हो और ऑटो चलती है भाई, क्या पता आप कोई रस कर रहे हो आपने हर गन से किल कर दिया हो तो VSS से मार सकते हो और भाई VSS से पता भी नहीं चलता कि कहाँ से लगने लग रही है तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहता है भाई। और अगले वाली भाई एक टिप जो है भाई ये वाली ये है, ये ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है भाई वैसे आप करोगे ना तो फ़ायदा ही रहेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है ना तो उसको बोलो कि मैं आपको दिला दूंगा वेपन मास्टर टाइटल और तुम मुझे दिला देना और कोई एक नई आईडी बना लो, नई आईडी से भाई वो आपको ज्वाइन करेगा और वही मैच स्टार्ट करेगा, आप प्लेटिनम में होंगे और वो नई आईडी से खेलेगा तो हो सकता है कि भाई सुबह के टाइम और भी ज़्यादा ऐसी वैसी लोबी मिले। तो भाई 6 किल करने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने गेम प्ले डाला वो देख लेना, 2-3 डाल चुका हूँ इस चैनल पर भी पहले डाल चुका हूँ, आज जो खेला था भाई वो भी डाल चुका हूँ। तो बहुत ही आसान है भाई जो मैंने आपको टिप बताई ना, बस इतना कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई। अपने फ्रेंड को रखो ताकि आपको बाद में ये प्रॉब्लम ना हो कि आपने 2 किल कर दिए फिर आपको गन ही नहीं मिल रही भाई, तो गन भी ढूंढो, दो दो को रखो इस तरह से किल करो और शॉर्ट गन में DBS यूज़ करने की कोशिश करो। तो ये कुछ टिप्स थी भाई जिसकी वजह से ना बिल्कुल ईजिली आप वेपन मास्टर का टाइटल ले लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो और बाकी आपके गेम प्ले पे है भाई आप कैसा खेलते हो, वैसे 1-2 के डिबे ना तो भी आप ले लोगे जो जो मैंने बताया ऐसे ही बंदे मिलेंगे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई, अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ठोक दिया करो यार और चैनल पे नो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।